क्या कर रही है? ये दारू क्यों छिड़क रहा है तू मेरे ऊपर? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को डसने के लायक नहीं बचेगा। देख देख जोगी देख, ये गलत है। आदमी चल जाते हैं, तू गलत कर रहा है। जोगी, जोगी, जोगी पुत्र ना, जोगी पुत्र, गलत पुत्र ना। देख जोगी, ऐसा ना कर, मैं चल जाऊंगा। तूने मेरे ऊपर शराब भेजी हुई है। छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे जोगी। मैं बताऊंगा क्या करता, चल जाऊंगा यार। पुत्र गलत है जोगी। और गलत तो इस राक्षस ने किया है बेबे। जो इसने मेरी माही को यहां बुला के उससे सफाइयां करवाई। बदसलूकी की मेरी माही के साथ। अगर आज इस राक्षस को मैंने जिंदा छोड़ दिया तो गलत वो होगा। गलत मेरी माही ने किया जो उसने मुझसे छुपाया, और सबसे ज्यादा गलत तो आपने भी किया। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? पुत्र मैं बताती हूं। मुख और नहीं बेबे, आप क्या समझाओगे? मैं बताता हूं आपको। ये जो ये चंपा चमेली और ये पप्पू दोनों मिले थे मुझे रस्ते में। इन्होंने मुझे भड़काने की कोशिश की कि मेरी माही ने इनके घर में आके पोछे मारे हैं, सफाइयां की इस घर की। मैंने नहीं भरोसा किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा मेरी माही मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों किया आपने ऐसा? आपको क्या लगा था जोगी पागल हो जाएगा, जोगी को गुस्सा आएगा और यहां आके क्लेश कर देगा? हाँ तो मैं करूंगा क्लेश। दीदी, जोगी आपके पति को मार देगा। जाओ बचाओ उसे, जाओ। तेरा भी तो चीज है, तू जाके ट्राई कर ले। मैं नहीं जाऊंगी। ओ यार, तू एक काम कर, तू आज कुछ मत कर, है? आज मुझे करने दे, आज मुझे करने दे यार। तू इस जालिम इंसान ने जो लोगों पे जुल्म किया ना, सबको दुख दिया है। उसे जीने का कोई हक नहीं है। आज मैं ही अपने आप को मार लेता हूं। पीपी, ये आप ही हो या आपका कोई हमशकल वमशकल आ गया? ओ ना बहना, ये तेरा ही भाई है, बस उसकी आत्मा की शक्ल बदल गई है। का एहसास हो गया है मुझे, जो कि मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। जोगी पुत्र नाटक कर रहे, तू चले तो चल। ओ बेंजी, बेंजी क्या कर? अभी ना जाऊं, मुझे माफी तो मांग ले तो। जोगी, पता नहीं मैंने बचपन में क्या किया था, क्या ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी जो मैं एक ट्रेजेडी किंग बन गया और लोगों को ट्रेजेडियां बांटता फिरता हूं यार। तू बता क्या करूं मैं? जोगी तू बता, आप बताओ मैं क्या करूं जो पछतावा हो जाए मुझे? मैं झाड़ू पूजा करूं? अपने घर से शुरू करता हूं और तेरे घर तक करता हूं, फिर पूरे मोहल्ले की करता हूं। ये ठीक रहेगा जी? हैं? मैं सफाई कर देता हूं, ये सारा सफाई। चंदा तू भी करेगी? चंदू ये माफ कर, पकड़ ना, थोड़ी देर की बात है, कर लेना। आजा आजा मुझे चंदू, सफाई करो बेटा। चल 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 चल, पोछा मार दो। हो रहा है, सब काम हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो,
पाप धुल जाने आज। लोग गंगा जी जाते हैं, हम सफाई करके पाप धोएंगे। करो सफाई। ये पुलिस किसने बुलाई? बहन जी आपने? जोगी, पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी यार? मैंने बुलाई है पुलिस। इंस्पेक्टर साहब जल्दी मेरे घर आओ, मेरे घर में गुंडा घुसा है, बचाओ मुझे। कैसी लगी मेरी चाल? अर्जुन चाहता है कि जोगी सिंगर बने ताकि वो जोगी को पूरी तरह से ना कंट्रोल कर सके। पीपी ने तो अर्जुन के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया है। अगर ये जोगी जेल चला गया तो ये गाना कैसे गाएगा और सिंगर कैसे बनेगा? हजार बार मना किया है कि मेरे घर में बिना इजाजत के मत घुस, लेकिन तुझे आना है। अब पता चलेगा तुझे कि पप्पू जब डंक मारता है तो क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं, तेरी थोड़ी सी हरकतें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। ऐसा पागल सांड की तरह मेरे घर में घुसना, मुझे घसीटना, मेरे ऊपर दारू बिखेरना, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और तुझे अब भगवान भी नहीं बचा सकता है। ओए, अगर मैं दिन दहाड़े चौड़े में तेरे कर में कुछ सकता हूं तो रात के अंधेरे में तेरे कमरे तक भी पहुंच सकता हूं। सबके सामने खुले में तेरी छत्तर परेड कर सकता हूं, तो कल्ले में तेरा गला भी कोड़ सकता हूं। ओए, आज तू मुझे चाहे जेल पे जवा ले, लेकिन सोच, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो तेरा क्या हाल करूंगा। जोगी, क्या हो रही है? अरे मेरे गांव से देखो, छोड़ो, ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है, मेरे घर में आ गया, मैं तो मरने वाला था भी। छोड़, हवलदार हथकड़ी बनाओ। नहीं, 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 मेरी गाल सुनो, कुछ नहीं किया मेरे पुत्र ने इंस्पेक्टर साहब। हमने अपनी आंखों से देखा था, इसने पप्पू जी का गला दबाया हुआ था और मारने की कोशिश कर रहा था, इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है। इंस्पेक्टर साहब मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो, कुछ नहीं किया मेरे पुत्र ने, मेरी गाल सुनो। जाओ उस गुंडे को यहाँ से इंस्पेक्टर साहब। मेरी गाल सुनो, कुछ नहीं किया मेरे पुत्र ने। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी गाल सुनो। ओए पप्पू, बाहर निकल। इंस्पेक्टर साहब मेहरबानी करके मेरी गाल सुनो। इंस्पेक्टर साहब ना, इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि तू सच बता देना पुत्र, तूने कुछ नहीं किया। हाँ कार्तिक, जय माता दी। आधे घंटे में? हाँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पैसे बेबे को ही पकड़ाना। ठीक है। ये पे करांगे।
माही कहाँ है बीजी? आज का दिन तो ना बड़ा ही कैंट है, आज तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। आपको पता है आधा किलो पनीर देने गई थी मैं, पूरे 5 किलो पनीर की सेटिंग कराई हूं मैं। वैसे ना एक और बड़ी खबर है मेरे पास आप लोगों के लिए। जोगी का एक दोस्त आ रहा है थोड़ी देर में, पता है क्यों? ये साबित करने कि आपका बेटा भी कमाऊ है। पूरे 50,000 लेने हैं जोगी को जगराते के, और इस झल्ले ने अभी तक लिए ही नहीं थे, बस वही देने आ रहा है। अब तो मानोगे ना बेबे कि आपका बेटा इतना भी बैल बुद्धि नहीं है, थोड़ी बहुत ही तो सुधबुद है उसमें, नहीं? वैसे मिनी कुंभकर्ण अभी तक सो रहा है ना? हाय रब्बा, क्या करूं उसका मैं अभी। एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं और उसको सरप्राइज देते हैं, नहीं? चलो। हक्के बक्के रह गए ना, मुझे पता है मैं भी रह गई थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जोगी ने 50,000 कमाए हैं। छोड़ो ये सारी बातें, चलो उसको जाके उठाते हैं। जी क्यों यार? मैं बता रहा हूँ, निकलता जल जाऊंगा यार। इसने पप्पू जी का गला दबाया हुआ था, इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है। ठीक हो जाएगा, मैंने पंकज से बात की है, वो किसी लॉयर से बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी हाल में आज वापस आ जाएगा घर पे। पे आप तो कुछ बोल सकते थे ना, वैसे हमेशा डांटते रहते हो, आज डांटने का टाइम था, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, आज गुस्सा करते, वो बिना बताए बिना कुछ बोले पप्पू जी के घर चला के कुछ तो बोलते। एक रूनी दाव पेट से कैसे निकालेंगे जोगी को? नमस्ते भरजाई जी, पैरी बोना बीजी। आप जिंदा रहे। पैरी बोना जिंदा रहे। आज तो ना मैं पराठे खाए बिना नहीं जाना, लेकिन उससे पहले ये आपके पुत्र की कमाई पूरे 50,000। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए, जोगी पूरे अमृतसर में धूम मचाने वाला है। आपका पुत्र ना जी क्या गाता है, क्या शब्द हैं, क्या अलाप, ऐसा लगता है मंदिर में माता रानी वाकई आ गई है। जादू है जी, जादू आपका पुत्र। जोगी का ना सिर्फ नाम लेने की देर थी, कल की बुकिंग तो आई आई, 4-5 कॉल और आ गए हैं। लेकिन है कहाँ हमारा ये न्यू एज नरेंद्र चंचल?
का सोया होगा। ओए सुस्ती, हेलो, ओए चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे बेटा वो बाहर है, किसी काम से गया है। ओ बीजी ये बात ना आप किसी ऐसे को बोलना जो जोगी को जानता ना हो। जोगी और काम और एंदो जी। मैं सच जोगी जेल में है। पर क्यों, हुआ क्या? आप फिक्र मत करो, जोगी जल्दी ही बाहर आ जाएगा। और बुकिंग का क्या होगा? माता रानी का जगराता है ना, तो वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाएंगी जिससे जोगी बाहर आ जाए। आप बस तैयारी कीजिए। का? हाँ मैं उसे लेके आऊंगी। साधु साहब एंजॉय करो, ये लो। तू कैसे बच सकता है? अरे पी, मैं अकेला क्यों पीऊं? सारा मुंह से गिरा रहा तू यार, यू आर वेस्टिंग इट मैन। पीपी ये क्या कर रहे हैं आप? पीपी आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? जब सुकून मिलता है ना तो सेलिब्रेशन अपने आप अंदर से निकलता है चंदू। पीपी सुकून आपको मिल रहा होगा, यार मेरी टेंशन से जान जा रही है। अरे बहना जब हाथ में टेंशन को सुकून में बदलने की दवाई हो तो फिर काहे की टेंशन? ये रे तू भी मान ले, चैन की, सुकून की, खुशियों की जन्म गुत्ती तू भी एक घूट मार ही ले। कौन सी खुशी पीपी? आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? ये क्या किया? तुम्हें पता है कितनी कॉस्टली बोतल थी? शट अप यू भिखारी औरत। अरे यार आज खुशी का दिन है, ये चिक चिक करके ना इसको नजर मत लगाओ यार। फाइनली हमारे साडू साहब जेल में चले गए, जस्ट सेलिब्रेट। पर पीपी प्लान ये नहीं था, प्लान ये था कि हम अर्जुन के प्लान को फॉलो करेंगे और उसके प्लान के मुताबिक हमें चूकी को सिंगर बनाना था ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सके। ओह इट्स अ लॉन्ग प्लान। अर्जुन से ऑर्डर तू लेती होगी, मैंने क्या ये गोल गोल घुमाओ, पहले सिंगर बनाओ उसके बाद बर्बाद करो। अभी भी तो बर्बाद हो गया ना जेल जाके, बात खत्म। पीपी पर अर्जुन आपको क्या? अर्जुन मैं कोई पसंती नहीं हूं, जो कहे और मैं नाचना शुरू कर दूं। यहां का गब्बर मैं हूं। वाह मेरे शेर। वो मुझे मारने आता और मैं इंतजार करता। अर्जुन कहो मुझे बचा लो, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं प्रभु। अरे हट, पप्पू अपने फैसले खुद लेता है। और वैसे भी ये जोगी जिंदगी भर जेल के अंदर नहीं रहेगा, इसकी माही जाएगी इसे छुड़ाने के लिए, तब अपना अर्जुन वाला प्लान एक्टिवेट कर लेना। सिंपल। अपने पीपी की बात मान चंदा, वो कभी कुछ गलत कहते ही नहीं। आप तो चुप ही रहो भाभी। मुझे तो लगता है कि अर्जुन वाला प्लान ही सबसे बेस्ट है। पप्पू जी एकदम सही कह रहे हैं। साडू साहब पता नहीं तेरा जेल में क्या हाल हो रहा होगा, पर जो भी हाल हो रहा होगा तुझे जेल भेजकर मुझे मजा तो बहुत आ रहा है।
माता रानी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के क्या साबित करना चाहती है तू? बड़ी मुश्किल से खुशियां आने लगी थी इस घर में, खुशियां आई और मेरा पुत्र ही नहीं है घर में, और वो भी तेरी वजह से, तेरे मायके वालों की वजह से। मेरी तरफ देख और सुन मेरी बात। क्या कहा था मैंने कि तेरी और जोगी की शादी हुई तो जोगी की जिंदगी में मुसीबतें तो आती रहेंगी, और वही हो रहा है। और तूने क्या कहा था? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे लगता है जिंदगी आगे बढ़ती है और घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाती है। वही पप्पू की चाले, पता नहीं कब खत्म हो गया सिलसिला। माई को डांटने से जोगी वापस आ जाएगा के? रजिन का कसूर है उनको सजा दे, तब बात बनेगी। ले पकड़। सैगलों की ईंट से ईंट बजाने का टाइम आ गया है। चल रुको पीछे। माई और रुकन का टाइम नहीं है, उनकी चालों को रोकने का टाइम है, और उसका एक का तरीका है जो लट। पीछे चल रूपा। पीछे मेरी बात। अगर आप दोनों ने इस दरवाजे के बाहर एक भी कदम रखा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शहरी लड़कियों में ना इतना दम नहीं होता। तू रहने दे, पास्यो। बेबे मैं सच कह रही हूं। पागल हो गई है के? लड़ी शहरी जरूर हूं पर अंबर सर नहीं, देसी हूं। मेरी हिम्मत पे शक मत करना, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाती ना आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। अब समझ में चूंकि ये जो बात बात पे पप्पू जी के घर चला जाता है ना उसने किससे सीखा है? आप दोनों से। बच्चे माँ बाप से ही तो सीखते हैं। और अगर जोगी को बदलना चाहते हो ना तो आप दोनों को खुद को बदलना होगा। पप्पू जी तो चाहते ही हैं कि हम कोई भी गलत कदम उठाएं और उस चीज का वो फायदा उठा सके। अगर ये सब रोकना है ना हमें तो हमें अपने गुस्से पे काबू करना होगा। बहुत हो गई लटबाजी, अब दिमागबाजी का टाइम है।